टूरिस्ट बस दे नाल इक वड्डा हादसा वापरिया जिथे ए बस बेकाबू हो के एक अपार्टमेंट दी कंध च जा टकराई। गलती इथे ड्राइवर दी दसी जा रही है। क्या जा रहा है कि ड्राइवर नशे विच धुत सी जिस तो बस बेकाबू हो गई ते उसने सड़क ते चलदी हुई बस अपार्टमेंट वाल मोड़ दिती ते अपार्टमेंट दी कंध च जाके टक्कर मार दिती जिस करके बस दी चपेट च आन करके एक दुकानदार दी मौत हो गई जबकि एक होर व्यक्ति गंभीर रूप दे नाल जख्मी है जिसका इलाज हस्पताल दे विच चल रहा है। दसिया जा रहा है कि नोएडा दे सैक्टर 118 दे विच ए हादसा होया है जिथे एक बस जो कि टूरिस्ट बस दसी जा रही है जिसनू एक नशे च धुत ड्राइवर चला रहा सी। क्या जा रहा है एक ड्राइवर ने शराब पीती हुई सी ता सड़क ते चलदी चलदी बस उसने अपार्टमेंट वाल मोड़ दिती उसकी बाउंड्री नू तोड़दे हुए कंध च जा मारी जिस करके अगे दुकान लगा के बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक होर इस बस की चपेट च आने नाल गंभीर रूप नाल जख्मी हो गया। इथे कहा जा रहा है कि इस बस के ड्राइवर ने शराब पीती हुई सी जो टक्कर मारन तो बाद मौके तो फरार है। पुलिस के वलों उसकी तलाश की जा रही है। इस हादसे नु देख के अपार्टमेंट वाले दे भी साह सुख गए जिन्नी तेजी दे नाल बस आई अते अपार्टमेंट की बाउंड्री तोड़ती हुई कंध च जा वजी ता हर कोई इस धमाके तो बाद डर गया सी। इलाके दे विच अजे भी सहम दा माहौल है। पुलिस दे वल्लों ड्राइवर दी तलाश लगातार कीती जा रही है क्योंकि इत्थे सारी गलती ड्राइवर दी दसी जा रही है जो बस चलाउंदिया होया नशे विच धुत सी शराब पीती हुई सी इस ड्राइवर ने जो टक्कर मारन तो बाद उत्थों फरार हो गया है। एक व्यक्ति दी इत्थे मौत हो चुकी है जबकि एक गंभीर रूप दे नाल जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। हां ऊपर बस चढ़ गया है। चोट भी लगी यार। चोट लगी होगी। चोट लगी होगी। थाना क्षेत्र 113 में सेक्टर 118 में श्रीराम अपार्टमेंट के पास एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पूरे घटनाक्रम में एक ये बड़ी बस है, टूरिस्ट बस है और ये आ रहे थे, इसके द्वारा श्रीराम अपार्टमेंट के बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। बस अनियंत्रित हो गई जिससे बाउंड्री तोड़ते हुए ये अंदर आ गई है और उसी के चपेट में जो दुकान लगाए हुए थे तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाँ ऊपर बस चढ़ गया। चोट भी लगी यार। चोट लगी होगी। चोट लगी होगी।